हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमीशिया। माय नेम इज़ ओम और आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस बाबा की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ अक्टूबर, जिसमें हम इकोनॉमी सेक्शन को कवर करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू, आप इस वीडियो की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं INFS क्राइसिस के बारे में, और यहाँ पे जो NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो रोल है उसके बारे में डिस्कशन है। देखो, सबसे पहले जानते हैं INFS क्राइसिस है क्या। देखो, INFS जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फिनांसियल सर्विसेज, इसके फुल फॉर्म है। ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्क करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड है उसमें वर्क करने के लिए इंडिया की वन ऑफ द मेजर कंपनीज थी, और इसको RBI में टू बिग टू फेल सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कंपनी का दर्जा मिला हुआ था। फिर ये जो NBFC है, इसके फेल होने की वजह से बहुत सारे मेजर चैलेंजेस हमारी इंडियन इकोनॉमी में आ गए हैं, और सीरियस लिक्विडिटी क्राइसिस भी देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो लेंडर्स हैं इस NBFC में, इसके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें पीछे पैर खींचते हुए भी नज़र आएंगे। अब देखो, न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने INFS क्राइसिस में इंटरवीन किया, और जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT, इसने INFS बोर्ड है उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ये RBI के थ्रू सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बोर्ड का इसको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कंपनी का इसको दर्जा मिला हुआ है, जिसकी जो एसेट है वो 1,15,000 करोड़ की है, और इसकी जो डेप्थ है वो लगभग 91,000 करोड़ की है। तो ये अप्रॉक्स, इट इज़ गुड टू से दैट इट इज़ टू बिग टू फेल। ओके, ये इतना बड़ा है कि ये फेल नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ये फेल होता है तो इसकी जो बहुत सारी क्लोज लिंकेज है बैंक के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स के साथ, उन पे बहुत ही भारी भरकम नेगेटिव इम्पैक्ट इनको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है तो। फिर देखो, NCLT के बारे में जानते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ये सेक्शन 408 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, फ्रॉम 1 जून 2016। और ये NCLT जो है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल मतलब एक होती है कम्प्लीटली जुडिशियल, जैसे हमारी जो अदर जुडिशरी है वो क्वासी जुडिशियल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर ये भी पावर दिया गया है कि वो कुछ लॉ भी बना सकते हैं अगर पार्लियामेंट के थ्रू उस पे कोई किसी सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना हुआ है तो। तो ये क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, अपने वर्क के साथ साथ कुछ जुडिशियरी सर्विसेज भी हैं इनके पास, जो कि इनकी पावर्स हैं हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट हैं इनकी। ठीक है, उसके बराबर की हैं। फिर उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल है, ये अपनी फंक्शनिंग जो प्रोसीजर्स हैं उसको खुद रेगुलेट करता है, और जो एस्टैब्लिशमेंट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, इसके अंदर बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनांस रिकंस्ट्रक्शन, फिर एपिलिएट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनांशियल रिकंस्ट्रक्शन, फिर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप रिकंस्ट्रक्शन एंड अदर सच प्रोविजन वेस्टेड इन हाई कोर्ट। फिर NCLT के पावर्स देखते हैं। देखो, NCLT को बहुत सारे पावर्स दिए हैं, और उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे मोस्ट ऑफ द पावर्स जो NCLT की है, कंपनी की है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू आती है, और जो पावर्स हैं BIFR के फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज, जो हाई कोर्ट्स के पावर हैं मर्जर, डीमर्जर, एमालगमेशन और वाइंडिंग अप से रिलेटेड, वो भी पावर्स हैं NCLT के पास। फिर इसके पास रीपेमेंट जो है उसको ऑर्डर करने की भी पावर्स हैं, जो डिपॉजिटेड रीपेमेंट्स हैं जो NBFC के थ्रू एक्सेप्ट किए गए हैं सेक्शन 45QA रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर। फिर उसके साथ साथ इसके पास पावर है वाइंड अप करने की, और अपने जो डिसीजंस हैं उसको खुद रिव्यू करने की। अब देखो, इंडिया में आप जानते हो, कोई भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अगर कोई केस होता है तो किसी डिपार्टमेंट के किसी अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जगह केस होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फिनांशियल रिकंस्ट्रक्शन हो गया एक, फिर एपिलिएट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनांशियल रिकंस्ट्रक्शन AAIFR, फिर उसके बाद कंपनी लॉ बोर्ड या हाई कोर्ट। यहाँ पे जो अलग अलग केसेस होते हैं कॉम्प्रोमाइज से, अरेंजमेंट से, मर्जर से, अमालगमेशन से, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज से, उनके वाइंडिंग अप होने से, मतलब कंपनी को बंद करने से, ये सब जो रिलेटेड केसेस होते हैं, ये अलग अलग विंडोज़ पे आपको अगर जाकर डिस्कस करने हो तो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होंगे। तो
तो इसमें ये सजेशन दिया रहा है कि NCLT जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके अंदर ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं इसके पावर वेस्ट कर देने चाहिए, इसके अंदर आ जाने चाहिए NCLT के अंदर, ताकि जो आपको मल्टी विंडो काम है वो आपको सिंगल विंडो पे हो जाए। अगर आपके पास कोई लिटिगेशन है एमालगमेशन से, मर्जर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारे आपके NCLT यानी कि एक ही द्वार पे आपको सब कुछ सर्विसेज मिल जाए, ठीक है। और साथ ही जो ये कुछ ऐसे जो पावर्स जो ऐसे ज्यूरिसडिक्शंस होंगे इनकी जो हियरिंग्स होगी वो एक्सरसाइज की जाएंगी उन बेंचेस के थ्रू जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू बनाई गई हो, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, सेंसेक्स टंबल्स। देखो अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, ये दोनों ओपन हुए हैवी लॉसेस के साथ। देखो यहाँ पे आपके जाने के लिए ये है कि बहुत सारे जो मार्केट वॉलेटिलिटी के रीजंस हैं ये आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। देखो इंडिया की जो करेंसी है रुपी, वो बहुत ही अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी फेस कर रही है, कभी 74 तो कभी 70 के पास भी आ जा रही है, ठीक है। तो हमारी जो फॉलिंग जो रुपीज़ की ये ट्रेंड है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। फिर ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, फिर राइजिंग बॉन्ड यील्ड की वजह से, फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, वो अगर इन्वेस्टमेंट पुल आउट करते हैं, जैसे FIIs जो ओवर द नाइट इन्वेस्टमेंट आते हैं और पुल आउट भी हो सकते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट आजकल FDI पे ज़्यादा फोकस कर रही है एज़ कम्पेयर टू FII, ठीक है, क्योंकि ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, ठीक है, कब जब मनाया आ लिए, जब मनाया निकल लिए। फिर हाई फ्रेगाइल इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, मोर लिक्विडिटी फॉर लेंडिंग। देखो आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे तीन टर्म क्लियर होने चाहिए, SLR, CRR और LCR। देखो LCR सबसे पहले जानते हैं, LCR की फुल फॉर्म में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और ये मेज़र की जाती है हाईली लिक्विड एसेट्स के थ्रू जो कि ज़्यादा ईजिली कन्वर्ट हो सकें कैश में, जब बैंक्स के पास इसको ज़रूरत हो इसको कैश में कन्वर्ट करने की, ठीक है। देखो CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है। कैश रिजर्व रेशियो जैसा कि नाम बता रहा है, ये बैंक्स को RBI के पास रिजर्व में रखने होते हैं कैश, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश, जो एक रिजर्व आपको कैश के रूप में रखना है उसको CRR कहते हैं, ठीक है, जो बैंक्स अपने पास रखता है। फिर उसके बाद जो SLR होता है, ये स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एक रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, गोल्ड होता है, सिमिलर लिक्विड एसेट्स होते हैं, उन सबसे रिलेटेड जो आपकी रिजर्व होंगी वो SLR कहलाएंगे, ठीक है। फिर ये जो तीनों पॉलिसीज़ हैं इनके थ्रू जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये टोटल अमाउंट जो है रिज़र्व की बैंक्स के पास, उनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्फ्लुएंस कर सकता है इसकी रेट्स को बढ़ाकर या घटाकर। फिर ये जो रिज़र्व्स हैं इनमें इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन अमाउंट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ द लोन्स दैट बैंक कैन एक्सटेंड टू बॉरोअर्स। क्योंकि देखो अगर आपके पास मान लो मैंने 100 रुपये दिए, सपोज़ करो आप बैंक हो और मैं RBI हूँ, ठीक है, अगर मैंने आपको 100 रुपये आपके पास एसेट हैं और मैंने आपको बोल दिया कि इसमें से आपको 20 रुपये मेरे पास रखवाने होंगे ताकि फ्यूचर में आपके पास अगर कोई डिफ़ॉल्ट होते हो आप, या फिर आपके पास फ़ंड की कमी होती है, तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये फ्यूचर के जो सिचुएशंस हैं उसके लिए, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएंगे 80 रुपये। तो अगर मान लो ये रेट, अगर मान लो 4 महीने बाद मैंने 40 रुपये कर दिया, तो आपके पास कितने बच जाएंगे 100 में से? सिर्फ 60 रुपये बच जाएंगे आपको यहाँ पे 40 रुपये जमा करने होंगे। तो आपके पास पैसे अगर कम होंगे तो आपके खर्चे पे कंट्रोल होगा, आपके लोन्स जो आप फ्रेंड को देते हो उस पे कंट्रोल होगा। कुछ उसी तरह बैंक फंक्शन करते हैं, बैंक्स के पास अगर RBI CRR और SLR के रेट्स बढ़ा देता है तो बैंक्स के पास जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो जो अमाउंट ये बाहर के जो लोन्स लेने वाले हैं बॉरोअर्स हैं उनको देने के बजाय रिजर्व में रखेंगे, तो ये जो लोन कैपेबिलिटी है वो कम होगी, और इससे क्या होगा, जो मार्केट में लिक्विडिटी है, पैसे की अमाउंट है, उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखो यही जो पॉलिसी होती है, जब अगर रिजर्व बैंक इन सब टाइप के जो टूल्स हैं उन टूल्स को अगर टाइट करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो जो लिक्विडिटी होती है मार्केट में वो गिरती है, इसको कहते हैं टाइट करने वाली मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्री, मतलब पैसे कम हो, कॉन्ट्राडिक्ट करे, ठीक है। और जब अगर इन जो नॉर्म्स हैं, जो SLR CRR हैं, इनको अगर लूज़ करती है तो जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के पास पैसा होगा, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट्री, मतलब फैलाओ, ज़्यादा लिक्विडिटी लाओ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि RBI ने
गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड बैंक्स को ये अलाउ किया है टू क्लासीफाई एन एडिशनल 2% ऑफ वैल्यू ऑफ देयर SLR इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट्स बॉन्ड में, ठीक है, एज हाई लिक्विडिटी एसेट्स HQLAs. इस मूव से देखो क्या होगा, जो ओवरऑल एसेट हैं वो हाई लिक्विड रिजर्व्स में बैंक्स के थ्रू रखे जाएंगे, जिनकी वजह से बैंक की जो लेंडिंग है वो ज़्यादा बेटर होगी और उसके वजह से जो फंड्स हैं इकोनॉमी में उनमें इजी अवेबिलिटी होगी. और अभी रिसेंटली जैसे RBI ने SLR नॉर्म को लूज़ किया था, उसके वजह से 2.5 लाख करोड़ मनी जो है वो इकॉनमी में पंप हुई है, ठीक है, इंजेक्ट हुई है. फिर जैसे बॉरवर्स कुछ होते हैं NBFC टाइप के, अभी डेफिनेटली देखो बैंक्स के बॉरवर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स भी होते हैं, हम जैसे और आप जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ NBFCs भी होते हैं. तो सिंस जैसे ILNFS क्राइसिस हुआ है, जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा है, ILNFS क्राइसिस के वजह से इन NBFCs को भी बहुत ज़्यादा मार झेलने को मिल सकती है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लग सकते हैं, हायर रेट्स लग सकते हैं, ठीक है. और RBI का ये कहना है कि अगर लेंडिंग बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो क्राइसिस है उसको भी थोड़ा कम ईज मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है. फिर देखो जो हाई लिक्विडिटी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जो होते हैं, ये बहुत ही हाई पोटेंशियल के एसेट्स होते हैं, जिनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश में क्विकली कन्वर्ट किया जा सके बैंक को, वैसे एसेट्स को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कहते हैं. जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है GSEC, ये आज के डेट में सबसे हाई क्वालिटी की सबसे रिलायबल HQLA कहलाती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्विकली कैश में कन्वर्ट की जा सकती है. फिर जो LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बैंक्स हैं उनके पास अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो एटलीस्ट इन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के थ्रू 30 डेज ऑफ कैलेंडर्स के लिए कम से कम जो स्ट्रेस है उसको मेंटेन करने से मतलब उनसे बचें. जो ये अगर मान लो कोई स्ट्रेस आती है 30 डेज तक कंटिन्यू रखती है या फिर कुछ मतलब टाइम के लिए, तो उस टाइम से उस क्राइसिस से कैसे बच सकते हैं. फिर देखो आगे पूछा जा रहा है, कैन दिस सॉल्व द लिक्विडिटी क्राइसिस. तो टू बी स्पेसिफिक, देखो फ्रेश इकॉनमी में अगर मनी फ्रेश मनी अगर इंजेक्ट की जाती है इकॉनमी में, तो उससे डिमांड सप्लाई की जो डिमांड है उसको बूस्ट मिलेगी, तो डिमांड सप्लाई का चेन बनता रहेगा. लेकिन देखो ये सिर्फ एक फ्रेश मनी इंजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं. जैसे अब देखो USA का फेड रिजर्व है, आप मनी इंजेक्ट करते हो लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे अगर USA की जो सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व है वहाँ पे अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हो. तो ऐसे जो डाइवर्स हो जाते हैं फंड्स, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, हमारी लिक्विडिटी क्राइसिस में. फिर द मूव टू ईज रिजर्व रिक्वायरमेंट इज़ अनलाइकली टू हैव एन इफेक्ट अंटिल दिस हैपन. इट हाउएवर रिमेंस टू बी सीन कि बैंक्स रिस्क ले रहे हैं NBFC को लोन देने में या फिर अदर फिनंशियल कंपनीज़ को, जैसा कि अभी इन्वायरमेंट है उसके अगर सिनेरियो में देखा जाए तो क्या बैंक्स अगर ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, अवॉइडिंग द करेंसी बास्केट केस. देखो अभी रिसेंटली इंडिया की जो करेंसी है रुपी, उसकी कंटिन्यूस डिप्रिशिएशन इंडियन मार्केट में ये बहुत ही मेजर कंसर्न है अभी हमारी RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी. क्योंकि देखो जब अगर हिस्ट्री आप देखो तो इंडिया की जो करेंसी है वो बहुत सारे इंडियन ओशन कंट्रीज जैसे जावा, बोर्नियो, मकाऊ, मस्कट, बाजरा एंड जंजीबर, इन सब कंट्रीज़ में हमारी इंडियन रुपीज़ को बहुत हद तक यूज़ किया जाता था. इनफैक्ट जो ओमन है उसने गल्फ रुपीज़ को 1970s तक लगभग 5 सेंचुरीज इन्होंने इस करेंसी को यूज़ किया है, ठीक है, अपने इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के लिए भी. फिर देखो इसके बाद कॉलोनियल रुपी इंट्रोड्यूस होती है 1911 में, जब ब्रिटिश राज में न्यू रुपी कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए. फिर उसके साथ साथ जो ये कॉइन्स थे इनकी हेजिमनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि इन्होंने मुगल की जो पॉपुलर रुपी थी, फिर जो अदर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, माइग्रेशन थे, इन सबको एक कहीं ना कहीं ओवरटेक कर लिया इन्होंने. और इसके बाद जो सिंध, सेलोन और बर्मा को इन्होंने फर्दर जो हथिया लिया था, कैप्चर कर लिया था, उसके बाद भी जो रुपी की हेजमनी है मतलब वर्चस्व इनका इस एरिया में बड़ा हो गया था, ठीक है. और इसकी वजह से बहुत सारे इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने मतलब दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपनी इस्टेब्लिशमेंट इस बेसिस पे बढ़ा ली थी, क्योंकि इस कंट्री की जो इंडिया की रुपी की कन्वर्टेबिलिटी थी ये बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सोने की चिड़िया है बहुत ज़्यादा उस समय भी कीमती थी. सिलोन बताओ आप कौन सी कंट्रीज़ का प्रीवियस नेम है. जैसे इंडिया में आप देखो जो
पटना आज की डेट में बिहार की कैपिटल है, उसकी पहले नाम पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। वैसे ही सिलोन अभी कौन सी कंट्री का कैपिटल है, जैसे बर्मा म्यांमार का कैपिटल है, ओके सॉरी म्यांमार का एक्स नेम है, उसी तरह सिलोन किस कंट्री का एक्स नेम है, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। फिर 1966 में जो दुबई और अदर गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी आरबीआई की जो मिंटेड गल्फ रुपी है उसको यूज़ करते थे 1966 तक। फिर 1966 के बाद हमारी कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है वो 1965 के वॉर के बाद 1966 में हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट होने लगी, और इसकी वजह से जो अदर कंट्री जैसे ये जो मैंने आपको बताया दुबई या फिर ओमन, ये सब जो गल्फ नेशन थे इन्होंने अपनी ओन करेंसी के ऊपर स्विच कर लिया, ठीक है, जो रियाल दिनार ये सब आपको देखने को आज मिलेगी। फिर 1950 और 70 के दशक के बीच में गोल्ड स्मगलिंग जो बहुत ही ज़्यादा कोंकण कोस्ट, जो इंडिया की कोंकण कोस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट के पास, वहाँ पे आपको जो कोंकण कोस्ट है वहाँ पे जो गोल्ड स्मगलिंग देखने को मिली, उसकी वजह से जो गल्फ बिजनेसेस थे उनको गोल्ड बहुत ही सस्ते दाम में मिलने लगा, और जो रुपी वगैरह की वैल्यू थी इसकी वजह से भी बहुत कम हो गई थी। और आज के डेट में अगर आप देखो तो सिर्फ नेपाल और भूटान ही सिर्फ दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में इंडिया में रुपी के ऊपर ट्रेड होता है, ठीक है। फिर रुपी की वैल्यूएशन एंड इट्स रीज़न, देखो बहुत सारे अदर रीजन्स हैं ओवर द ईयर्स जिनके थ्रू इंडिया की जो करेंसी है उसको यूएस डॉलर के ऊपर इक्वल कभी नहीं हो पाई, और इसकी हिस्ट्री भी रही है। जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में भी हमारी करेंसी की वैल्यू 3.301 डॉलर के बराबर थी, ठीक है, 3.30 रुपये एक डॉलर के बराबर थे। फिर उसके बाद 1966 में जो हमारी 1965 की वॉर हुई थी उसके बाद ये फाइनल 7.50 रुपीज़ एक डॉलर के लिए पहुंच जाता है, और फिर ये 1995 में बढ़कर 32.4 हो जाता है, ठीक है, 32.4 रुपीज़ फॉर वन डॉलर। फिर ये डिक्लाइन कहीं ना कहीं बहुत सारे अदर फैक्टर जैसे पाकिस्तान चाइना वॉर, फिर 5-ईयर प्लान अडॉप्ट करना, फिर फॉरेन लोन्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑयल प्राइसेस शॉक जो 1973 में देखने को मिले थे, इन सब के भी बहुत सारे मेजर रीज़न हैं इंडिया के रुपी के डिप्रिसिएशन में, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया की जो रुपी है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हुई हायर ऑयल प्राइसेस की वजह से, और उसके बाद जो अगर तेल के दाम बढ़े तो बढ़े, उसके बाद जो उसके तेल के दाम बढ़े और उसके वजह से इफ़ेक्ट हुए हमारे FII, और FII की वजह से भी हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिर गई, ठीक है। फिर देखो अभी भी अगर देखो द ऑनगोइंग USA और जो चाइना की ट्रेड वॉर है और ईरान सैंक्शंस हैं और जो अदर मूवमेंट जो चल रही है वर्ल्ड में इकोनॉमिकली, जो ऐसे क्राइसिस पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। फिर उसके बाद जो रुपी थी ये इलेक्शन से पहले भी बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जर्वेशन और कुछ डेटाज भी ऐसे दिखाते हैं कि जो पास्ट 7 इलेक्शंस हैं उनमें लगभग 6 टाइम हमारी करेंसी की वैल्यू इलेक्शन से पहले गिरी है, ठीक है। फिर अब इसमें आगे फर्दर हम लोग कर क्या सकते हैं, देखो RBI और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है उनको स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेने चाहिए, कैसे, अब देखो नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड्स या फिर सॉवर्जिन बॉन्ड्स या फिर फॉरेक्स मार्केट, इन सब को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना चाहिए, इस तरीके के बॉन्ड्स ज़्यादा इशू करने चाहिए। फिर फर्दर जो इंडियन रुपी की डिपेंडेंसी US डॉलर पे उसको कम करना चाहिए, जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया हो गई, इन सब कंट्रीज़ के साथ हम लोग अपनी जो या फिर तो रशिया या फिर इंडिया की करेंसी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं US डॉलर की हेजिमनी को थोड़ा काउंटर करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हो रशिया और चाइना ने भी अभी रिसेंटली और टर्की ने ऑर्गेनाइज करा था एक मीटिंग जिसके अंदर वो लोग ये डिस्कस करने गए थे कि USA की जो डॉलर है उसको कैसे जंप करके किसी और करेंसी में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इंडिया को जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया अभी भी एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इतनी भी नहीं है कि हम खुद की सस्टेन कर सकें, ठीक है, खुद की नीड्स को सस्टेन कर सकें। तो अगर करेंसी वैल्यू बढ़ती है तो इम्पोर्ट्स महंगे होंगे, ठीक है, तो इम्पोर्ट्स महंगे होंगे तो फर्दर इसके वजह से कंडीशन और बिगड़ जाएगी और इकॉनमी में करेंसी क्राइसिस भी आ सकती है। फर्दर ब्लैक मनी स्ट्रैटेजीज हम लोग क्या अपना सकते हैं, फिर इंडिया को 4 पिलर्स में अपनी जो ब्लैक मनी की स्ट्रैटेजी उसको डिवाइड करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे टैक्स रेट रैशनलाइजेशन, रिफॉर्म वल्नरेबल सेक्शंस, फिर उसके बाद सपोर्ट अ कैशलेस इकॉनमी और क्रिएट इफेक्टिव एंड क्रेडिबल डिटरेंस।
देखो अभी जो हमारी इंडिया में टैक्स रेट है, इसके अंडर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के थ्रू भी ये सजेस्ट किया जाता है कि जो टैक्स बेस है हमारा, जो देखो टैक्स पेयर्स जो है हमारी 1.5 बिलियन की जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें टैक्स बेस को अगर आप देखो तो टैक्स बेस काफ़ी छोटा है, ठीक है, जबकि जो अगर अदर कंट्रीज़ में आप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखो वहाँ पे टैक्स बेस बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो देखो हमारी टैक्स रेट में, अब जैसे मैंने आपको इकॉनमी के लेक्चर्स में भी बताया है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आपकी सैलरी मान लो 10,000, ठीक है, ठीक है 10K या फिर 10,000 आप बोल लो, ठीक है 10,000 आपकी जो सैलरी है, इसमें आपको ये बोला जाए कि 2,000 रुपये टैक्स देने हैं, अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर आपको फ़ाइन 500 रुपये हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपको टैक्स 500 रुपये देने हैं, और अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आपको फ़ाइन 2,000 रुपये देने हैं। तो कौन सा यहाँ पे बेटर ऑप्शन रहेगा? डेफिनेटली लोग सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये देने से अगर दो नहीं दोगे तो 2,000 भरने पड़ेंगे, वेयर एज पहले कंडीशन में आप 2,000 नहीं दोगे तो 500 भरने पड़ेंगे, तो भैया 2,000 नहीं देंगे 500 भर लेंगे, दूसरे वाले कंडीशन में कि भैया 500 दे दो वरना 2,000 भरने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये अगर स्टेप अपनाई जाती है, ठीक है, टैक्स रेट रैशनलाइजेशन में, तो उसकी वजह से टैक्स रेट जो बढ़ेगी उसकी वजह से टैक्स बेस भी बढ़ेगा, ठीक है, टैक्स रेट को घटाया जाए और बेस बढ़ाया जाए, बेस बढ़ेगी तो रेवेन्यू डेफिनेटली गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज जैसे UK, स्विट्ज़रलैंड, जो कि ऑफ़र कर सकती है म्यूचुअल टैक्स शेयरिंग, इनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट है इसको इनक्रेज करना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारी रिमिटेंसेस डेटा बेस जो डिटेलिंग है उसको फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को एक तरीके से ज़्यादा बेटर, जो कंपनीज ट्रांसफ़र करती हैं बाहर जो पैसे ट्रांसफ़र करती हैं, और जो NGO को बाहर से कंट्रीज़ से जो फंड्स आते हैं उनके ऊपर बेटर एक रिमिटेंसेस डेटाबेस डिटेलिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो जो डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टोरेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इनको IT ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, इन सब के ऊपर जो ज़्यादा बेटर राइट्स देने चाहिए ताकि जो इफेक्टिव डिटरेंट यानी डर पैदा किया जा सके, ठीक है। और ऑडिट साइकिल जो है, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स या फिर बाकी सारे जो एक्साइज टैक्स डिपार्टमेंट हैं, इनको इस तरीके से लाइन में लाना चाहिए कि जो लार्जर टैक्स पेयर यूनिट हैं ये ज़्यादा बेटर इफेक्टिव तरीके से फंक्शन करे, और इसकी वजह से जो स्कोप ऑफ साइमल्टेनियस स्क्रूटनी है और एग्जामिनेशन है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, देखो देखो अभी जो रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन वैल्यू है बहुत कम है, तो इसके लिए एक ये गोल रखना चाहिए कि रुपी को कैसे जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बेटर बनाया जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाइना की युआन करेंसी को देखो तो इसको कंटिन्यूसली जो इसकी पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे आप देखो मल्टीलेटरल ट्रेड, फिर इंस्टीट्यूशन जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, फिर करेंसी स्वाप्स, फिर इंडियन रुपी रिमेंस, इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, क्योंकि चाइना की युआन जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। AIIB बैंक और भी अदर बैंक्स जैसे ADB आप देख लो, चलो AIIB की कैपिटल मतलब इसकी हेड क्वार्टर किस कंट्री में लोकेटेड है आपको ये बतानी है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप देखो चाइना की जो कैंपेन है कि जो IMF की बेंचमार्क करेंसी में जो बास्केट 2015 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है, SDR बास्केट में IMF की, उसके थ्रू भी चाइना की जो करेंसी उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है, ठीक है, और फ्रीली यूजेबल करेंसी की आज डेट में चाइना की करेंसी खड़ी है। फिर उसके बाद जो RBI है, मीन वाइल इसने बहुत ज़्यादा ग्रेडुअलिस्टिक अप्रोच भी अपनाई है, जैसे मसाला बॉन्ड क्रिएट करना, फॉरनर्स को जो रुपी डेप्ट ऑनशोर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करना। इसके कॉन्क्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो रुपी 1991 से हमारी करेंसी में बहुत सारी चेंजेस हैं, और अभी करेंसी जो हमारी है ये वर्ल्ड की टॉप 10 ट्रेडेड करेंसीज में भी नहीं आती है, तो अब डेफिनेटली इतने ज़्यादा अगर करेंसी डाउन हो चुकी है तो कोई एक मैजिक तो हो नहीं सकता है ना, जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप घुमाओगे तुरंत सब सही हो जाएगा, तो इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस हैं रुपी के अगेंस्ट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना होगा, ठीक है, उनको कम करना होगा सो एज़ टू जैसे रुपी की वैल्यू बढ़ सके, और रुपी की जो मल्टीलेटरल नेचर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो शाख है पहले वाली जो शाख है हमारी इंडियन रुपी की उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोर करना होगा, ठीक है।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। इकॉनमी की सेकेंड पार्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा आयुष बाबा की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। गॉड ब्लेस यू ऑल।